काम देखो उसकी हानियां हरकतें देखो उसकी, बंदर की तरह कर रही है, बंदर की तरह ये। एक मम्मा इसकी वो किचन की तरह, मम्मा किचन देखिएगा, किचन नहीं है ये, बेल है इसकी, बेल के साथ भी खेल नहीं, बेल के साथ नहीं खेल रही। अभी हम बैठ के ना यहाँ से धूप ले रहे हैं, धूप यहाँ से आ रही थी यहाँ पे, फिर मैं हानिया यहाँ पे बैठ के कब से इसके साथ खेल रही थी, कैट के साथ, गंदी हो जाएगी। फिर मैं भी यहाँ पे आके बैठ गई हूँ, थोड़ी देर मैं भी इनकी हरकतें देख लूँ और यहाँ से धूप ले लूँ, धूप आ रही, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। अभी हमारी जो बिल्ली है ना ये क्यूट सी, इसकी हरकतों से हमारे दिन की शुरुआत हो गई है और माशाल्लाह से मुझे जो कहते थे ना मुझे अच्छी लगती है, मुझे इतनी अच्छी लगती है बिल्लियाँ। पाक की रहमत आई है हमारे घर पे और वो भी न्यू ईयर पे, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दिया है एक छोटा सा। मम्मा ये न्यू ईयर का गिफ्ट है। हाँ ये हमारा न्यू ईयर का गिफ्ट है, वो भी अल्लाह पाक की रहमत है हमारे लिए। देखो उसकी हरकतें देखो, ख्याल करो लगी नहीं, नहीं लगी नहीं लगी ऐसी चीजों के साथ ना ये ज्यादा खेलती है। मैं इसका कलर ना आपके नमाज वाली चादर से मैच होता है। अच्छा हाँ। नमाज वाली चादर से मैच होता है। हाँ, ब्राउन ब्राउन। हाँ यानी कलर भी मैच कर लिया। ये व्हाइट उल्टा है ना उसके पास, उसको देखो तुम, उसको देखो वो कर क्या रही है। जैसे हानिया कहती है, हानिया जो जो बड़ी हो रही है ना, कहते अब मुझे ऐसे करना है, अब मुझे ये ले दो, अब मुझे वो ले दो, ये कैट भी फिर ऐसे ही करेगी। फ्लाइज को देख रही है, पता नहीं क्या करना चाहती है उनके साथ, उन्हें पकड़ना चाहती है, मुझे लगता है खाना चाहती है, शिकार करने नहीं आता। मम्मा कितनी देर है, मैं रेडी हो गई हूँ। बस हो गई, मैं मेरे हाथ बस ड्राई हो रहे थे, मैंने कहा थोड़ी सी क्रीम लगा लूँ। हानिया तैयार होके बैठी हुई है, देखो हानिया बैग भी साथ लेके जाओगी। हाँ हानिया ने बैग भी साथ लेके जाना है, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ इसमें। घर की चाबी, पापा के पास घर की चाबी नहीं होगी। घर की चाबी, घर की चाबी इतने बड़े बैग में डालेगी हानिया, बड़े बैग में, मम्मा के बैग में डाल दो घर की चाबी। मम्मा पर मेरा कुछ जरूरी सामान भी है। तो अपना आपका पर्स कौन है, ये तो स्कूल बैग है ना आपका। नहीं लंच बॉक्स है, पता नहीं वो हाँ, हाँ, वही लंच बॉक्स है स्कूल का है ना ये, तो इसे रख दो, अपना बैग लिया। पर मेरा बैग पता नहीं किधर है। आपने देखा था मैंने इसका छोटा जो था, बता भी होगा तो मैं नहीं बताऊंगी। इतना बड़ा सामान आ जाएगा छोटे में। क्या हुआ है हानिया, शूज नहीं बंद रहे, खुल गए हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नए दिन के साथ हमारे व्लॉग का आगाज हो चुका है और दुआ करूं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आप सबकी जिंदगी में आसानी हो, आमीन या रब। मदीना मुनव्वरा का मौसम आज भी बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा है, क्योंकि जाहिर है इतने दिन बारिश रही है तो आज धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखें फैमिलीज यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ इस टाइम को भी इंजॉय करने के लिए, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कोई कोई अपने मैट लेके आए हुए हैं, मैट बिछा रहे हैं, मैट बिछा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो पानी है ना बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सैलाब का पानी है, तो इसे ही बस देखने के लिए लोग आ रहे हैं, एंजॉय करने के लिए। इतना पानी आ कहाँ से रहा है, यहीं पे देखें कि अल्लाह पाक की कुदरत कि इतना बारिश हुई है मदीना मुनव्वरा में, और ये सारा पानी जो है जो मदीना मुनव्वरा में बारिशों का और पहाड़ों से सारा जमा होके तो यहीं पर आ रहा है और काफ़ी सारे नुकसान भी हो गए यहाँ पर लोगों के। यहाँ से ना आसमान देखें कैसे साफ लग रहा है, लेकिन इसके साथ इस साइड पे देखें अभी भी बादल हैं, अभी भी लग रहे हैं मौसम के चांस, अभी भी बारिश के लग रहे हैं, इस साइड पे भी हैं, लेकिन फ़िलहाल आज का जो मौसम है खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर देखने आए थे पानी को, पानी जो रुका है यहाँ का कि नहीं रुका, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना बहाव है, इतना तेज़ पानी आ रहा है। शाम हो रही है और इस वक्त अभी कारात मॉल के बाहर हैं हम, यहाँ पे बच्चे हैं तो यहाँ से चलते हैं, अभी एंट्रेंस यहाँ से है। मार्केट तो वैसे बहुत बड़ी है और काफ़ी जगहों से एंट्रेंस बनी हुई है। इन्हें ठीक करो ये चीज़ अपने। हानिया ने ट्रॉली पकड़ ली है, हानिया संभालेगी अब। हाँ किसी को देनी नहीं है फिर आपने। नहीं। तो मना हवाए ऊपर है, नज़र आ रहे हैं देखो वहाँ पे है। चले। हाँ ऊपर चलना है, चलें। माँ मैं आपको बता दूँ बाइक इधर है, इधर आई। हाँ मेरा लाल है ना मेरे साथ। आपका कोच हूँ मैं, कोच। आप क्या हो मेरे? कोच। आपका कोच हूँ मैं। कोच हो आप मेरे? इस साइड पे हैं भाई, आ जाओ। हाँ ये उस साइड पे मुझे लेके जा रही है, कहती है वहाँ पे हैं भाई, मैंने कहा नहीं नहीं वहाँ पे नहीं है, मुस्तफ़ा जो है ना हमें सही लेके जा रहा है। तो अभी हम अबाया सेक्शन में आ गए हैं और जाके मैं देखती हूँ और अपने लिए कोई अच्छा सा अबाया सिलेक्ट करती हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है? ले ले। हाँ सर्दियों का है, सर्दियों का अबाया देखें और कलर भी देखें, वही नेवी ब्लू जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ये पहन के मैं कैसी लगूँगी?
अच्छी लगेगी, अच्छी लगूंगी। नहीं वैसे मैं दिखा रही हूँ, लेना तो ऐसा नहीं है, ये कलर भी प्यारा लग रहा है, लेकिन सर्दियों के अबाये भी आ रहे हैं, ये बस मैं आप सबको दिखा रही थी कि सर्दियों के अबाये भी हैं इस तरह से। इन दोनों में से कौन सा प्यारा लग रहा है? ब्लू, ब्लू भी लग रहा है, ब्लैक भी लग रहा है, अपनी अपनी जगह पे दोनों प्यारे हैं। कौन सा ज्यादा प्यारा? ब्लैक। अच्छा जब मैं ब्लैक और ब्लू को देखती हूँ ना, फिर मेरा दिल करता है कि बस मैं ब्लू ही पहनूं, लेकिन इस बार मैंने सोचा होता कि मैं कलर चेंज करूँगी, हमेशा जो है ना मेरे ब्लू होते हैं, तो सोच रही हूँ ब्लैक का, लेकिन पता नहीं अभी मैं ना चेक करके देखती हूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने अभी ना दोनों साइज निकाल लिए, इसमें भी इसमें भी, हम जा रहे हैं मिरर की तरफ क्योंकि यहाँ बैक साइड पर मिरर लगे हुए हैं। प्यारा लग रहा है, ब्लू चेक करती हूँ फिर। मम्मा अब आपने अबाया लेना या नहीं लेना? मैं थक गई हूँ अबाया ढूंढने के, अब मैं यहाँ पे आ गई, मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा, मैं सोच रही हूँ कि कुबा से जाके लूँ, क्या कहती हूँ? आपकी मर्जी, जहाँ से लें। बिल्कुल भी मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, वो लिए हैं मैंने जो दो जो वहाँ से उठाए थे ना, ब्लैक और वो ब्लैक और जो ब्लू था, उसके कलर भी मुझे पसंद आए हैं, मुझे पहनने में वैसे नहीं लग रहे जैसे ये मैंने पहना हुआ है ना, थोड़े मुझे उनसे लूज चाहिए, इस तरह का मिल जाता। देखो मून का भी अच्छा है ना, इसकी मून की जो स्लीव है मुझे बहुत पसंद है, इसकी जो अबाय की शेप है वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन नहीं मिल रही इस तरह की। हानिया वहाँ पे जाना है, पीछे नहीं जाना। मम्मा हानिया को यहाँ से आगे डर लग रहा है, उसे पता नहीं यहाँ पे गिलास लगा, मैं देख रही हूँ फुहारा क्यों नहीं चल रहा, जब भी आज बंद है ना, हाँ जब भी आते हैं ना यहाँ पे फुहारा चल रहा होता है, इतनी खूबसूरत व्यू होता है, ऊपर तक जा रहा होता है इसका पानी, और यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, मार्केट का और बहुत बड़ी मार्केट है ये, सब कुछ यहाँ पे इजी से आपको मिल सकता है, ज्वेलरी, शूज, कपड़े, किचन से रिलेटेड एवरीथिंग जो भी है ना, जो है पूरा कम्प्लीट मॉल है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती है। अच्छा अब आया तो खैर नहीं लिया मैंने, यहाँ पे आ गए हम हानिया के लिए हेयर बैंड देखने के लिए, यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे हैं, लेकिन कलर कुछ अजीब से, ये ब्लू वाला प्यारा है, ये प्यारे है, ये दो, हाँ ये प्यारे प्यारे लग रहे हैं, दो नहीं तीन पीसेज हैं बल्कि। हानिया को कोई और ही पसंद आया हुआ है, आप ही ऐसे ऊपर करके चलेगी। अच्छा अच्छा वाकई ना हील्स के डिज़ाइन यहाँ पे बहुत प्यारे हैं, कलर भी बहुत प्यारे हैं और काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी बहुत प्यारी हैं हील्स, लेकिन बस ये है कि मैं हील्स पहनती नहीं हूँ, लेकिन खूबसूरत बहुत है यहाँ पे हील्स। ये क्या आप ही का साइज है? आप ही से पूछो, आप ही आपका साइज है? मेरे फोन छोटा है, छोटा है तो तकरीबन मेरा और आपका एक ही साइज है ना? नहीं मेरा आपसे दो नंबर, दो नंबर बड़ा है, कम है, कम है। सर अबाया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो बस अभी मैं बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें देख रही हूँ, जैसे हानिया की पोनीज वगैरह हो गई, और मोना से भी पूछ रही हूँ, तमन्ना से भी पूछ रही हूँ, हानिया से भी पूछ रही हूँ कि मुस्तफ़ा की जो है छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनकी कैप्स वगैरह लेनी है सर्दियों की, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पर, वहाँ पर जाके देखते हैं। हानिया के लिए ना मैंने ये कैप उठाई है पीच कलर में, बहुत ही प्यारी है, हानिया को ढूंढ रहे हैं, बुला रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई, और कब से हम ढूंढ रहे हैं हानिया कहाँ गए, देखो मैंने आपके लिए कितना प्यारा कलर ढूंढा, कैसा लग रहा है? प्यारी लग रही है हानिया, इधर दिखाओ, ये तो बहुत क्यूट लग रही है, तो और भी ज्यादा क्यूट हो गई है मेरी बच्ची, ले लें ये वाली, ले लें, अच्छी लग रही है, तो मुस्तफा कलर प्यारा लग रहा है, अभी आपने देखा ही नहीं है, मैं देख रही हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। मोना ने यहाँ से कुछ लेना है अपने लिए, कुछ समझ आया क्या लेना है? अभी ना थक हार के मैं यहाँ पे नीचे हम हैं, और इधर आके मैं चेयर मैंने ढूंढी, चेयर मुझे मिली यहाँ पे, मैं बैठी हूँ, लेकिन ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो बच्चों ने उठाई हैं, यहाँ नहीं कि हाथ में कुछ और कुछ पे हाथ में, तो वहाँ पे रिसेप्शन पे रश लगा हुआ, तो मेरे हस्बैंड को भी कॉल किया, वो आ रहे हैं बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे, थोड़ा सा लिया है बस, इसका बिल बनवा दें, वहाँ पर रश लगा हुआ था, वहाँ पर नहीं मुस्तफा चला गया ना गाड़ी में, तो मैंने देखो हमारी गाड़ी, अच्छा सामने हमारी गाड़ी है, और मैं तमन्ना को कह रही हूँ तमन्ना देखो हमारी गाड़ी, बाहर आते ही ठंड लग रही है ना, नहीं देखो गाड़ी खुली हुई है कि नहीं, हम बैठे हैं गाड़ी में, ओके खुली हुई है तमन्ना, मुस्तफा अंदर, चलो बैठो फिर, गाड़ी खुली हुई है तो अब चलो, हानिया मामा और पापा का नाम लिख रही है गाड़ी पे। अभी हम रुके हैं सुपर मार्केट के बाहर, क्यों
रात के खाने में पकाने के लिए कुछ लेना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी रात के खाने का जो भी इंतज़ाम है तो ये अभी बाहर से करके जाएं जैसे हम आए हुए हैं। घर आते ही ना मैंने सब्जी निकाली है और वहाँ से हमें ली थी चिकन, और खाने में आज मैं बना रही हूँ चिकन और करेले। और बच्चे जैसे ही आए ना इन्होंने अपना सामान निकाल लिया। मुझसे भाई आपने यही लिया था? हाँ। क्या चीज़ है ये? क्यूट। और हानिया ने अपनी कैप पहन ली है, अपनी पोनीज वगैरह खोल रही है, यहाँ पे आते ये बिजी हो गए। और मैं बस अभी बस खाने की तैयारी कर रही हूँ रात के खाने की। मामा मैंने भी करवानी है। क्या करना है आपने? मैंने भी कटवाने हैं। क्या कटवाओगे? करेले। करेले? हाँ। करेले नहीं, आप कुछ आप ऐसा करो, आप लहसुन ले, लहसुन छील के दो मामा को, ठीक है? ओके। हानिया जी छोड़ दो, जाके ना वो नमक लेकर आओ किचन से, मैं इनको कट करके ना नमक लगाती हूँ, उठो जाओ। थैंक यू। करेलों को मैंने नमक लगा के रख दिया था, बस अभी इनको वॉश करना है। और मसाले तकरीबन सारे यहाँ पे रेडी है मेरे पास। और इसके अलावा मैंने चिकन यहाँ पे निकाल लिया, बस चिकन की स्किन उतार के इनके छोटे पीसेस करने हैं, क्योंकि चिकन के जो पीस हैं वो बड़े हैं। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है और करेलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। करेले मैंने फ्राई करने हैं और यहाँ पे चिकन तैयार हो रही है। किचन से ना मैं अपना काम ख़त्म करके आ गई हूँ, खाना बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ना मैंने मोना को और तमन्ना को कहा है, मोना मैं चटनी बना रही है और तमन्ना को मैंने कहा है कि वो सैलड बनाए। तन वगैरह मैंने कहा देखें प्लेट्स वगैरह से कि दस्तरखान यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हानिया को चेक करें, हानिया को भूख लग रही है, मज़े मज़े वाली। इतनी भूख लग रही है आपको? तकरीबन 2 से 3 बार ना मुस्तफ़ा भी मेरे पास आ गए और हानिया भी मेरे पास किचन में आ गई है कि हमें बहुत भूख लग रही है। तो बस खाना अभी बन गया हानिया, अभी मोना और तमन्ना लेकर आ रही हैं। ओके। हानिया माशाल्लाह सबसे पहले बैठी हुई है दस्तरखान पे। चटनी के लिए छोटे बाउल लेकर आओ। दस्तरखान पे सारे आ गए हैं, सबने खाना भी शुरू कर दिए। लास्ट में बस अभी मुस्तफ़ा की जो प्लेट है वो रह गई है। मुस्तफ़ा आप किसके साथ खा रहे हो? ऐसे ही भूख लगी हुई है ना बच्चों को इसी। मैं हमेशा ना इसलिए बनाती हूँ चिकन डालती हूँ करेलों में कि बच्चों को बिल्कुल करेले जो है ना ऐसे पसंद नहीं है,